This is the PPT about the tips and tricks to remember the Indian Constitution. ठीक है, अब Indian Constitution में आपको कितना याद रखना है, ये नहीं कि आप पूरी की पूरी PPT याद करने बैठे हो. ठीक है, वो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए हेक्टिक, मतलब अननेसेसरी रिवाइज करना है. नॉट गोविंद राव फुले, ज्योति राव एंड गोविंद राव फुले, वेरी गुड बेटा. ठीक है, तो दिस इज लाइक मिल गया बेटा, बैच थ्री वालों को भी मिल गया है. यस से यस और नो फास्ट, क्योंकि मैं अभी उसको कराने वाली हूँ. देखो बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ इसको कि आपको करना कैसे है ये. ठीक है, अब जैसे इसमें आर्टिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं या चीजें पूछी जाती है, अब इतनी सारी चीजें हैं. ठीक है, हमारा अगर आप RIMC का सिलेबस देखते हो तो उसमें सबसे पहला टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पॉलिटी में है, वो सबसे पहला टॉपिक है आपका, दैट इज प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, प्रीएम्बल में बहुत सारे बच्चों को कई बार करवा चुकी हूँ, जिनका नहीं हुआ है उनको कोई इशू नहीं है, मैं उनको दोबारा करवाऊंगी, कोई अभी करवाऊंगी, आज ही स्टार्ट करवाऊंगी और नेक्स्ट क्लास तक उसको फिनिश करेंगे जल्द फास्ट. ठीक है, तो प्रीएम्बल के अंदर जो है चीजें बहुत सारी याद करने वाली है. फिर उसके बाद है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप चेक कर सकते हो, मैंने RIMC का सिलेबस फर्स्ट क्लास में ही सेंड कर दिया था सारे बच्चों को, इसी वजह से कि कंफ्यूजन ना हो. फिर शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, एंड मैनी मोर. ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी ऐसी चीजें हैं जो आपको लर्न करनी है. ठीक है, काफी सारा मटीरियल है जो बहुत सारी चीजें हमें याद करनी है. ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये आपके लिए स्पेशल एक PPT बनवाई है. ठीक है, ठीक है, प्रीएम्बल बेटा, प्रीएम्बल फाउंड तो मिल तो जाएगा, पर उसको पढ़ना तो पड़ेगा ना. ठीक है, चलिए तो अभी देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जैसे पार्ट 1 to 22. यहाँ पर बेटा मैंने 1 to 22 दे रखा है, बट एक्चुअल पार्ट कितने हैं, 25 है. मेरे बात सुनिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स पहले थे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था इन 1949. ठीक है, अभी जो रिसेंटली जो करंट बात है वो 25 पार्ट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. बट मैंने 25 पार्ट्स क्यों नहीं करवाए, क्योंकि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक ही आपको याद रखना है, 1 से लेकर पार्ट 6 तक याद करना है. ठीक है, आपको 25 के 25 पार्ट्स याद नहीं करने हैं, 22 के 22 पार्ट्स नहीं याद करने. समझ आ रही है मेरी बात में क्या कह रही हूँ? ठीक है, ओनली आपको पार्ट 6 तक ही पढ़ना है, पार्ट 6 से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट 6 तक. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम अस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहीं तक करिए बस. ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है पार्ट 1 से लेके 5 तक याद करने के लिए. टोटल कितने पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, देर आर 25 पार्ट्स. यहाँ पर जो ट्रिक है वो 22 पार्ट्स तक ही लिमिटेड है, बिकॉज 3 के लिए मैंने नहीं लिखी हुई इसमें. ठीक है, 25 पार्ट्स हैं, बट आपको पार्ट्स तो याद रखने हैं कितने पार्ट्स हैं. ठीक है, बट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको पार्ट 6 तक ही पूछा जाएगा. ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता रही हूँ आपको, दैट इज योर, इसको समझिए, जिसमें लिखा हुआ है ट्रिक क्या है, यू कैन फ्लाई. ठीक है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यू का पार्ट जो है वो पार्ट 1 है, दैट यू रिप्रेजेंट्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. ठीक है, जैन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन, ठीक है, उसको लिखा गया था उस टाइम पर, ये पार्ट्स में जो है इंडिया की कंट्री को डिफाइन किया गया था. ठीक है, सबसे पहले इंडिया जो थी ब्रिटिश रूल में थी, और वहां पर कोई प्रोविंसेस नहीं हुआ करते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, कुछ यूनाइटेड प्रोविंसेस थे, कुछ अपने लोकल लीडर्स थे, समझ आ रही है मेरी बात, कहीं पर नवाब थे. ठीक है, ऐसी कोई डिफाइंड यूनियन नहीं था, कोई इसकी टेरिटरी नहीं थी, और हम डेफिनेटली किसी इंडिया को इंडिया नहीं बोल पाते थे. जैसे आप लोगों को पता होगा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स जो थे, या फिर कश्मीर जो थी, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे जो कि इंडिया के पार्ट ही नहीं थे. ठीक है, जो कि अपने अपने डिफरेंट रूलर्स थे उसके अंदर, वो काम करते थे. ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एज अ यूनियन और उसकी टेरिटरी डिफाइन करी, कि इंडिया की स्टेट्स कितनी है, इंडिया कितना बड़ा है और इंडिया कितनी जगह फैला हुआ है. समझ आ गया मेरी बात? तो यू, हाँ जी, ब्लैंक स्क्रीन वेयर यू रोट द सत्यश उदक, क्या बोलना चाह रहे हो? क्या चाहिए बोलो. जब आप लिख रहे थे सत्य शोध समाज के बारे में, तब मैंने पूरा लिखा नहीं ना. कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक बार दिखा दूंगी. ठीक है, वेट करो. ठीक
या फिर आप अगर नहीं भी दिखाया करो ना तो रिकॉर्डिंग जाया करो, रिकॉर्डिंग में देख लिया करो, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। फिर आया बेटा पार्ट है सेकंड यू कैन, ठीक है, दिस इज द पार्ट सेकंड, ठीक है। हमने इंडिया बना दिया, मतलब घर बना दिया, समझ आ रही है मेरी बात, हमने एक घर बनाया, ठीक है, उस घर के अंदर हमने इतने इतने रूम बना दिए, इतने कमरे हैं, इतने ये इस कमरे में ये बेडरूम है, ये किचन है, ये लेटरिन है, ये बाथरूम है, बड़े, ठीक है। उसके बाद इसमें लोग कौन रहेंगे, ठीक है, हम एक इंडिया को एक घर की तरह मानो, हमने पहले घर बनाया कि इतने इतने घर, अगर आप बचपन में कभी खेले हो तो एक कंट्री कंट्री गेम हुआ करता था, ठीक है, उसमें हम अपनी जितनी टेरिटरी खींच लेते थे तो उतनी ज्यादा टेरिटरी अपनी हो जाती थी और हम उतने ज्यादा हम जीत जाते थे, ठीक है। उसी तरीके से भाई हमने एक टेरिटरी बना दी, उसके बाद उसमें कितने लोग रहेंगे, ठीक है, ये पार्ट टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, ठीक है। तो पार्ट टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप, कि इंडिया का सिटीजन कौन होगा, ठीक है, समझ आए, इंडिया का सिटीजन कौन होगा वो कौन बताएगा बेटा, आपका पार्ट टू बताएगा, समझ आए। नेक्स्ट इज फ्लाई, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन फ्लाई, दैट इज इट पार्ट थर्ड, ठीक है। पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज इट इज द फंडामेंटल राइट्स, बताती हूँ प्रतीक कैसे आएगा, वेट कर लीजिए, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स आते हैं कम्स अंडर द पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि उस घर के लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, उनको खाना मिल जाएगा फ्री में, उनको सोने के लिए मिलेगा, उनको लाइट जलाने के लिए मिलेगी, दीज आर द फंडामेंटल राइट्स फॉर देम, ठीक है। एक एग्जांपल समझ लीजिए, इंडिया को एक घर समझ लीजिए, घर की टेरिटरी बना दी, इसमें इतने लोग रहेंगे, अब उन लोगों को क्या क्या चीजें मिलेंगी, उनके फंडामेंटल क्या क्या चीजें उनको मिलेंगी, ठीक है। अब आपसे बेटा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज प्रतीक ने क्वेश्चन पूछा कि मैम आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ या डिस्क्राइब्स डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज पार्ट वन, ठीक है, बी ऑप्शन इज पार्ट टू, ठीक है, सी ऑप्शन इज पार्ट थ्री एंड डी ऑप्शन इज पार्ट 16 या पार्ट नाइन, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज द, हाँ बिल्कुल अमृत्या आपने सब कुछ कर रखा, वेरी नाइस, ठीक है। सो विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाँ डील्स विद, क्या होगा बेटा आपका पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्ट थर्ड को हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ठीक है, वो हम आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाएंगे तब बताऊंगे। अब यहाँ पर एक तरीके से तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे आपसे पूछा जा सकता है पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, बी ऑप्शन फंडामेंटल ड्यूटीज, बात को समझ रहे हो, मैं कैसे क्वेश्चन दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रतीक ने पूछा है तो मैं बता रही हूं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हो सकता है आपका ए एंड बी बोथ और सी डी ऑप्शन इज वन ऑफ दीज, मतलब आप मेरा आइडिया समझ चुके होंगे व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो दीज आर द टू कंडीशंस, उस पर आपके एमसीक्यूज जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।